आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट गिवन इन द फिगर इन व्हिच एबीसीडी इज अ स्क्वायर विद डायगोनल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काइट शेप गिवन है फिगर आपको, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल गिवन है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये रीजन कौन सा, येलो रीजन है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, अपना येलो वन, ये येलो टू है, और ये ग्रीन रीजन है नीचे ट्रायंगल पार्ट। आपको बताना जो ईच शेड है, येलो, ग्रीन, रेड, इन सबका ईच शेड का एरिया कितना कितना है, अपना कितना रिक्वायर्ड एरिया है काइट बनाने में, ये निकालना है बेसिकली हमें। सो ये एबीसीडी स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी निकालेंगे, वो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका क्या हो जाएगा, अपना इसको क्या करेंगे हम, इसका ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस होगा, हाफ नहीं होगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा ना। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि क्यों ना डायगोनल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको पता है स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर ए सी 44 है तो बी सी भी 44 हो जाएगा, और ये अपने बीच में बाइसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल्स आपस में, तो ये कितना हो जाएगा 22 22 हो जाएगा अपना ये, ठीक है, और ये भी 22 एंड 22 हो जाएगा अपना ये बेसिकली। तो अगर हम ऐसे निकाल लेते हैं स्क्वायर का एरिया, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 44 और हाइट है 22, ये हाइट है 22, बेस 44 है, तो यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा अपने पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो स्क्वायर का एरिया आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ, देखो रेड रीजन जो है, रेड वाला पार्ट खाली एक ही है, तो रेड रीजन का निकाल लेता हूँ एरिया, यहाँ पर रेड वाले का एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 ऑफ 968, इस पूरे स्क्वायर का 1/4 करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा रेड वाले पोर्शन का, तो वो कितना आ रहा है 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रेड शेड है उसका एरिया तो पता लग गया, इतना एरिया रिक्वायर्ड है रेड शेड का, ठीक है। अब येलो शेड का एरिया निकाल लेते हैं, देखो येलो शेड का कितना हो जाएगा, येलो शेड इसका एरिया हो जाएगा अपना, जैसे हमने 242 से निकाला है, सेम यहाँ से 242 प्लस 242, क्योंकि येलो वाले दो रीजन है, येलो वन येलो टू, तो दो बार ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होगी येलो शेड का रीजन। अब ग्रीन वाले में दो, एक ट्रायंगुलर है और एक यहाँ पर ये ट्रायंगुलर जाला है अपना, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे पहले हम, फिर इसमें येलो ऐड कर देंगे, इसका तो हमको पता है 242 होने वाला है एरिया इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले ग्रीन थ्री का, तो यहाँ पर इस ग्रीन का निकाल लेते हैं एरिया, ट्रायंगल का एरिया यहाँ से, तो इसमें यूज करेंगे हीरोस फार्मूला, तो निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तो वो हो जाएगा 14 + 20 + 20/2, सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 54/2 व्हिच इज 27 सेंटीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर आ गया। सो एरिया हो जाएगा अपना, एरिया इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया हम, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम, हमको पता है सारी वैल्यूज, एस की वैल्यू कितनी 27 है, एस माइनस ए, ए मेरा 20 है, तो 27 - 20 विच इज 7, यहाँ पर 7 और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 13 मेरा, 27 - 14, तो ये हो जाएगा अपना 13 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, देखो 7 × 7 इंटू मेरा भाग आ जाएगा, एक 7 तो भाग आ जाएगा, ठीक है, इंटू में। अब जो 27 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा, देखो ये मेरा 3 का क्यूब है, तो एक तो 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 अंदर बचेगा, स्क्वायर रूट में 3 × 13 बचेगा अपने पास यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 27 को लिख दिया ना 3 का क्यूब, 3 का क्यूब लिखा तो 2 3, तो 2 3 मिला के एक पेयर बना, तो एक 3 बाहर आ गया और एक 3 अंदर बचेगा, तो ये 21 स्क्वायर रूट ऑफ 39, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 131.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं जो ग्रीन शेड है, ग्रीन शेड का एरिया हो जाएगा अपने पास 242 + 131.15, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 373.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ग्रीन पोर्शन का एरिया मेरे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक 242 यहाँ से हमने इस वाले का ऐड किया ग्रीन थ्री का, और ये ट्रायंगल का अपना ऐड किया, तो ग्रीन पोर्शन का ये हो गया, रेड वाले का ये है, एंड येलो शेड का इतना एरिया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।